हाय, क्या हाल आप सभी के? ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं यार, ये शब्द हो रही, लाइक 2 महीने हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं डाली है, और आई गेस 3 महीने होने वाले. तो यार, आई एम रियली सॉरी यार, माफ़ करना. सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, स्थिति कुछ ऐसी थी, कंडीशन ही ऐसी क्रिएट हुई कि यार चीज़ें टलती गई टलती गई. काफ़ी सारी चीज़ें हैं फॉलो अप में, वीडियोज़ क्रिएट करने हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए. काफ़ी सारे वीडियो शूट भी हो चुके हैं, बट वो एडिट नहीं हो पाए किसी वजह से. कुछ वीडियो शूट होना बाकी है. लाइक मैंने अभी परचेज़ किया माइक्रोफोन, 2-2.5 हज़ार रुपये का माइक्रोफोन है वो, बट वो मेरे लैपटॉप के अंदर चल नहीं रहा है. लैपटॉप की उम्र हो चुकी है अब, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लैपटॉप परचेज़ करते हैं, बट कन्फ्यूज हूँ कि नया परचेज़ करें, पुराना परचेज़ करें, या कौन सा लैपटॉप परचेज़ करें. वैसे तो मेरा मन हो रहा है कि अब मैं मैकबुक ही परचेज़ करूँ, मैकबुक M1 जो आया है, एयर M1, जो कि अभी का बेस्ट लैपटॉप माना जा रहा है. लाइक M1 मेरे को पड़ रहा है अराउंड 75 हज़ार रुपये का, अभी ऑनलाइन अगर देखूँगा मैं तो. और अगर मैं M2 लूँगा तो वो 1 लाख रुपये कुछ का पड़ रहा है, तो 30 हज़ार रुपये. इतने माइनर से कुछ कुछ माइनर सा इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपये लगाने चाहिए या 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए. तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि यार लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. अगर मैं लूँगा डेफिनेटली उसका व्लॉग भी बनाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि व्लॉग बनाने का, एंड आपको बताऊँगा कि मैंने एयर M1 ही क्यों लिया अगर मैं लेता हूँ. ठीक है, तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लान्ड हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में. राइट, काफ़ी सारी चीज़ें और भी चल रही है बैकग्राउंड में यार, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियोस को आने में, क्रिएट होने में. फिलहाल हाल फिलहाल मैंने सोचा कि यार कोई वीडियो तो डालते हैं. ये बाल क्यों उड़ रहा है? और यार मैंने सोचा कोई ना कोई यार वीडियो बनाते हैं, एक तो वीडियो डालते हैं. तो मैंने सोचा कि यार 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, ऑलमोस्ट 4000 घंटे हमारे कब के हो चुके हैं, लाइक 6000-6500 घंटे हमारे हो चुके हैं, बट 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए यार अभी तक. शायद से कुछ 40-50 सब्सक्राइबर ही बच रहे हैं हमारे, तो जल्दी से सब्सक्राइबर करा दो. तो मैंने सोचा क्यों ना यार 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो एक Q&A कर देते हैं. लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में, या मैंने पास में जो वीडियोस बनाए उनके नीचे कमेंट्स हैं काफ़ी सारे. तो मैं सोचा क्या चलो आज एक Q&A करते हैं, जिसमें कि मैं अपनी बारे में बताता हूँ, लाइक हु एम आई, मैं हूँ कौन भाई, तो उसके बारे में बताता हूँ. एंड आप लोगों के जो जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम जवाब देते हैं. चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं. हाँ तो भाई, मेरा नाम है प्रतीक विश्वकर्मा, मैं रहता हूँ एक भोपाल के पास में, एक छोटा सा टाउन है उधर, जिसका नाम है कुरावर. और मैं पेशे से फ़िलहाल आई एम अ स्टूडेंट, मैंने BBA अपना कंप्लीट करा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट फॉर परसुइंग दी MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम नहीं बेसिकली फुल टाइम ही है, बट फ्रॉम दैट टाइम जब तक मेरा कैट का एग्ज़ाम क्लियर होता है या मैं कैट का एग्ज़ाम देता हूँ, तब तक आई एम डूइंग अ जॉब ऑल्सो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इनसाइड सेल्स. तो मैं वो जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ, और मैं कुछ कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी बना लेता हूँ आप लोगों के लिए. मुझे टेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, हालांकि मैं घुसा हूँ बिज़नेस फील्ड के अंदर, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव या बिज़नेस मैनेजमेंट, बट आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी. बट मुझे उसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं दिखा कि मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर IIT करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं. इस वजह से मैं बिज़नेस की फील्ड के अंदर हूँ एज अ प्रोफेशनल, और ये सारी चीज़ें मैं हॉबी के लिए करता हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, राइट, तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें करता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है वीडियोग्राफी के अंदर भी. आपने अगर मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं किया हुआ तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा यार, काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग बना रखे हैं मैंने, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो. तो आई होप यार इतना इनफ होगा मेरे बारे में, लाइक इससे ज़्यादा बताना थोड़ा पर्सनल हो जाएगा. आपको पर्सनली मुझे फॉलो करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो ले लेते हैं हम. ब्रो, मेरा 2100 का बिल आया है और सिम लास्ट 2-3 महीने से बंद हो गया है, जीमेल पे लीगल नोटिस आया है, क्या करना चाहिए?
भाई आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, यू हैव टू पे द बिल, जो भी आपका बिल आया आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो। इट इज़ नॉट श्योर बट मैक्सिमम टाइम आपको पेनल्टी लगा देते हैं ये लोग, और बिल इतना लंबा कर देंगे ना कि आप पागल हो जाओगे पे करते करते। बट मैं यही बोलूँगा कि अभी जितना बिल है ये फिर भी छोटा है, जाके पेमेंट कर दो, अदरवाइज़ कोर्ट जाके करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो पेमेंट कर दो, लीगल नोटिस आया है, पेमेंट करने के बाद इग्नोर कर सकते हो आप लीगल नोटिस को, या फिर लीगल नोटिस के अंदर भी जो लीगल नोटिस जिसने भेजा है उसका नंबर होगा, उससे बात कर सकते हो, ठीक है। ब्रो आई परचेज्ड VI पोस्टपेड 70 प्लान, आई यूज टू पे 827 एवरी मंथ, बट फॉर दिस मंथ द बिल जनरेटेड इज 1058। भाई देखो काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कभी भी आप कोई प्लान लेते हो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा करो। ये मेरे को नहीं पता क्यों आया है, बट मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि या तो आपने कोई रोमिंग नंबर पे कॉल कर दिया, या तो फिर आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे चीज़ें ये फ्री में देते हैं, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार एंड ऑल, बट कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो कि पेड होती हैं। वहाँ लिखा होता है दैट इफ़ यू गेट दिस, इफ़ यू क्लेम दिस, देन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी जनरेटेड इन योर बिल और जो भी वट एवर। तो काफ़ी सारी चीज़ें पेड भी होती हैं जो कि वहाँ पे दी जाती है, जो कि आप एड ऑन कर लेते हो, एंड उस वजह से भी आपका बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। ये चीज़ मेक श्योर करिए कि आपको जो चीज़ फ्री दिख रही है ना वहाँ पे, सिर्फ उन्हीं चीज़ पे क्लिक करिए, अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ पे क्लिक मत करिए। और रोमिंग वोमिंग वाले नंबर पे कॉल या SMS ना करें, इंटरनेशनल नंबर पे कुछ ना करें तो बेहतर होगा, वरना तो बिल ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो यही है, एंड मैं यही बोलूँगा कि पेमेंट कर देना, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। ब्रो पोस्टपेड से प्रीपेड करना पड़ता है क्या पहले, या डायरेक्ट पोस्टपेड टू पोर्ट कर सकते हैं? आई गेस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको पोस्टपेड से किसी दूसरे सिम में पोर्ट करवाना है प्रीपेड में, तो क्या पोस्टपेड से प्रीपेड करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद पोर्ट होगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली जा सकते हो किसी भी ऑपरेटर के पास और कह सकते हो कि मुझे मेरी ये सिम है, पोस्टपेड उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोल देना कि ये मेरी सिम है, इसको मेरे को स्पेसिफिक जो भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल VI की सिम है, आपको जाना है जियो में, तो आप जियो वाले के पास जाके बोल सकते हो मुझे इसको जियो में कन्वर्ट कर दो या पोर्ट कर दो, वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, पोर्ट करके दे देगा, एंड जनरली जियो प्रीपेड में ही पोस्ट होगी, ओके सॉरी पोर्ट होगी। भाई मेरे को आपसे अर्जेंट बात करनी है, बड़ा परेशान हूँ भाई। भाई इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हो। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ यार, अगर आपको अर्जेंटली मुझसे कुछ पूछना है कम टू माई इंस्टाग्राम। हेलो भाई, मेरी सिम को कई और के नाम से है तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या? अच्छा, कोई और के नाम से आपकी सिम, VI लीगल नोटिस ऑब्वियसली उसके नाम पे आएगा अगर किसी और के नाम से है, बट आई विल सजेस्ट यू कि ये सारी चीज़ें ना करें। किसी और के नाम से है तो भी पेमेंट कर दें, अदरवाइज़ आपको आगे जाके अगर ये मामला कोर्ट में गया तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो पेमेंट कर देना, ठीक है। भाई मैंने भी इंस्टाग्राम पे साइन अप किया और ID हैकर हो गए, भाई इसके वापस लाने की टेक्निक बता दो। तो भाई की इंग्लिश तो बड़ी ख़तरनाक है, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे, कहीं पे भी इस तरीके के फिशिंग दिखते हैं तो मत डाला करिए अपने क्रीडेंशियल्स, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। और वापस लाने का ऐसा सच कोई तरीका नहीं है, बट यही बोल सकता हूँ, एक काम कर सकते हो कि आपके पास अगर आपका अकाउंट दो अकाउंट से लॉग इन है, जैसे कि फेसबुक एंड ट्विटर, तो ट्विटर से लॉग इन करिए एंड फेसबुक को अनलिंक करिए। आपकी किस्मत है अगर वो हैकर ने आपको अनलिंक ना कर दिया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो मुझे लगता नहीं है कुछ और हो सकता है, और कोई चारा नहीं है गाइस। भाई गजली गजली बोलते हैं, ब्रो हम 3rd floor पर शिफ्ट हुए हैं पर वाईफाई ग्राउंड फ्लोर पर है। अब फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अब अगर ग्राउंड फ्लोर से वायर के थ्रू 3rd floor पर राउटर लगा लूँ तो इंटरनेट चल जाएगा? डेफिनेटली आप एक एक्स्ट्रा राउटर लो, केबल लो, और 1st floor से 3rd floor पे आप लेकर आओ उस केबल को, कनेक्ट करो वाईफाई को, एंड जो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो फॉलो करो, डेफिनेटली चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तब यूज़ करता हूँ ऑनलाइन क्लास के लिए, तो तब कनेक्ट हो जाएगा जैसे ग्राउंड फ्लोर पर ही हो जाता है? भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। आई गेस मैं ये समझ पा रहा हूँ इससे कि आप कहना चाह रहे हो कि राउटर ग्राउंड फ्लोर पर ही है बट लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो जाता है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो क्या वैसे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा?
ये सब यही कहना चाह रहे हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट कर देना। लैपटॉप का जो वाईफाई डोंगल होता है या फिर वाईफाई रिसीवर होता है उसकी रेंज ज़्यादा होती है कैच करने की कंपेयर टू योर फ़ोन। आपका फ़ोन एकदम छोटा सा, आपके फ़ोन के अंदर एकदम छोटा सा यहाँ पे एक एंटीना होता है जो कि कैच करता है, तो लैपटॉप जितनी रेंज आपका फ़ोन कैच नहीं कर पाएगा, राइट। तो ट्राई करना कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है कि आप वाईफाई का ऊपर एक राउटर ले आओ, देन यू विल एक्सेस इट, ये वाला कर पाओ। भाई नेहा यादव ने एक कमेंट किया, ब्रो मेरी सिम इनएक्टिव हो गई थी ड्यू टू रिचार्ज अनअवेलेबिलिटी, तो मुझे पोस्टपेड में निकलवानी पड़ी है और यहाँ पर वीआई का नेट इतना घटिया 150-200 केबीपीएस का नेटवर्क आता है और मुझे इतना महंगा रिचार्ज करने की जरूरत भी नहीं है, और ये बोले कि 120 दिन बाद ही मैं इसे प्रीपेड में करवा सकती हूँ। आई वांटेड टू नो वन थिंग कि क्या मैं इसे नेक्स्ट मंथ ही पोस्टपेड से एयरटेल या जियो प्रीपेड में पोर्ट करवा सकती हूँ, क्योंकि वीआई का नेटवर्क बहुत घटिया है मेरी लोकेलिटी में। माय वन लास्ट एंड मेन क्वेश्चन, मैं वीआई पोस्टपेड से जियो प्रीपेड यूज़ करना चाहती हूँ, हो जाएगी क्या? ओके, डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आप वीआई पोस्टपेड के कस्टमर हैं देन आपको अगर जियो में जाना है आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट एक कंडीशन है, जैसा कि आपने बोला कि आपकी सिम जो है इनएक्टिव हो गई थी तो आपने उसको एक्टिवेट किया है, राइट, तो उन्होंने आपको वीआई पोस्टपेड में एक्टिवेट करके दिया है, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है, राइट। ये लोग इतना स्कैम चलाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा आपको पोस्टपेड ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इनके स्कैम चलते हैं कि भाई पोस्टपेड करवाओ तभी हो पाएगा, चालू सिम वरना नहीं हो पाएगी। अगर वो मना कर रहे हैं किसी और स्टोर के ऊपर जाओ, बट इसके पास से मत करवाओ क्योंकि इन लोगों को कमीशन मिलता है, ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। बट आपने अगर करवा लिया है, आपने पोस्टपेड निकलवा ली है, आपने कोई पोर्ट नहीं करवाया है, देन डेफिनेटली यू कैन, आप अगले ही दिन जाके करवा सकते हो ये चीज़, अगले ही दिन आप जा सकते हो जियो स्टोर में और पोर्ट करवा सकते हो। मैं उसके पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोर्ट PORT स्पेस अपना नंबर 1900 पे एक बार भेज के देख लें, अगर आपको वहाँ से एक कोड आ जाता है या वहाँ से कन्फर्मेशन आ जाता है SMS के थ्रू ही आएगा, तो आप डेफिनेटली जाइए अगले दिन और पोर्ट करवा के ले आइए, कोई रहने की ज़रूरत नहीं है। जितने दिन आपने यूज़ किया है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना, जितने दिन आपने पोस्टपेड यूज़ करा है उतने दिन का बिल आएगा, पे कर दीजिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, अगर नहीं और कोई भी जवाब सवाल हो तो कमेंट कर देना या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। हेलो सर, मेरा VI सिम बिल ना भरने की वजह से बंद हो गया है और नोटिस भी आई है, मैंने बिल अभी भर दिया और बिल की पेमेंट की रिसिप्ट नहीं मिली है, VI स्टोर वालों ने बोला है कि आपकी ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, मेरे पास जिस ईमेल से मैसेज आता है वो ईमेल आईडी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, नंबर भी नहीं है। डोंट बी वरी अबाउट दैट, लाइक इतना टेंशन की बात नहीं है, VI पोस्टपेड सिम बिल ना भर पाने की वजह से आपकी सिम बंद हो गई, राइट। नोटिस का वेट करें, मतलब नोटिस को चेक करें एक बार, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक लिंक आता है कभी कभी कि इनएक्टिव नंबर के ऊपर जाके आप चेक कर सकें कि आपका बिल कितना बचा है, तो आप वहाँ पे जाए इनएक्टिव वाले के ऊपर क्लिक करें, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपना नंबर डालें, अगर वहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है देन उसको पे करें, अगर कोई नहीं दिखा रहा तो टेंशन मत लीजिए, आपका पेमेंट हो चुका है, मेल आए ना आए टेंशन की बात नहीं है, वेट करते रहिए। अगर आपका आपने VI स्टोर के ऊपर जाके पेमेंट कर दिया है वही अमाउंट जो आपको वहाँ दिखा रहा है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप वापस से VI स्टोर के ऊपर जाके उनको दिखाएं कि मेरा पेमेंट नहीं। विच सिम कार्ड आर यू यूजिंग ब्रो, व्हाट हैपेंड व्हेन यू कॉल 1-to-1 फ्रॉम जियो सिम? डेफिनेटली यार, कर मतलब इट इज़ फॉर एयरटेल, लाइक जियो के लिए बना ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता। और रही बात मैं कौन से सिम यूज़ करता हूँ, तो आई एम करेंटली यूजिंग एयरटेल, या ओनली एयरटेल, ठीक है। सो या दैट्स ऑल विद द क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए एंड वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है यार, इट्स बीन 21 मिनट्स, 21 मिनट हो गए हैं वीडियो बनते बनते, तो यार इसको क्रॉप करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो पता नहीं अभी कितने मिनट की वीडियो हुई होगी, आई गेस 10-15 मिनट की वीडियो हुई होगी जो आप देख रहे हो अभी, तो या जो भी है काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो देखते हैं यार कैसे क्या होगा, वीडियो कब तक आ पाती है। तो यार मैं लिटरली आप लोगों से वापस से माफ़ी चाहता हूँ इतना लेट वीडियो आने के लिए, बट हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो जल्दी से करा दो यार, मतलब बस मज़ा आ जाएगा। तो वो भी लिए इतना ही यार, अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट में कर सकते हो, वीडियो पसंद आया डिसलाइक कर सकते हो या लाइक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, नहीं सॉरी, लाइक कर सकते हो डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर देना यार।
और कमेंट कर सकते हो अगर आपका कोई भी सवाल हो, और अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है, आपको अर्जेंटली कोई सवाल पूछना है, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो मेरे, वहाँ पे मैं जवाब दे दूँगा। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए नए वेली वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए और सुनते रहिए, राधे राधे, चलो।